उत्तराखंड का जोशीमठ, यहाँ पर जमीन धंस रही है। सोमवार को केंद्र की एक टीम यहाँ पहुंची और हालात का जायजा भी लिया। वहीं आज से जोशीमठ में चिन्हित मकानों को जो है ढहाने का काम शुरू किया जा रहा है। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि जोशीमठ को बचाना और लोगों के जान माल की सुरक्षा करना सरकार की पहली प्राथमिकता है। सीएम ने सभी लोगों से अनुरोध किया है कि वे इस समय मिलजुल कर जोशीमठ को बचाने के लिए आगे आए। सरकार के साथ ही जितने सामाजिक और राजनीतिक संगठन हैं, सभी को एक टीम वर्क के रूप में काम करना चाहिए। मैंने स्वयं लोगों से मिलकर यह अनुरोध किया है कि लोग इस काम में लगे भी हैं। वही मीडिया से बातचीत में धामी ने कहा कि अब तक 81 परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट कर दिया गया है। इसके अलावा एक नए भूधसाव जोन को बना दिया गया है, उसी जद में 678 परिवार आ रहे हैं। उन्होंने जो है इन्हें भी शिफ्ट कर दिया जाएगा। सरकार प्रभावित परिवारों के लिए लघु और दीर्घकालिक योजना पर तेजी से आगे बढ़ रही है। पीपलकोटी, गौचर आदि कई स्थानों पर जहां भी सुरक्षित जमीनें उपलब्ध है, प्रभावितों को बसाने की योजना पर भी काम शुरू किया जा रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी लगातार जोशीमठ भूधसाव की समीक्षा कर रहे हैं। देखिए, हमने सभी लोगों से अनुरोध किया है कि ये समय सबको मिलजुल कर जोशीमठ को बचाने का समय है। सब लोग एक टीम के रूप में काम करें, सभी लोग मिलकर, सरकार है, सामाजिक संगठन है, राजनीतिक संगठन है, हमारी सबकी पहली प्राथमिकता है कि जोशीमठ शहर बसना चाहिए और लोगों की जान माल की सुरक्षा होनी चाहिए। जहां सभी लोगों से मैंने मिलकर भी वैसे भी अनुरोध किया है और लोग लगे भी हैं, सब लोग अब इस काम पर लग गए हैं। और जो खतरे की जद में आने वाले 68 मकान थे, उन सभी को शिफ्ट किया गया है। और जो एक जोन बना है 600 मकानों से अधिक का, उनको भी वहां से सुरक्षित स्थानों पर ले जाने की कार्रवाई गतिमान है। और माननीय प्रधानमंत्री जी भी लगातार इसकी समीक्षा कर रहे हैं, लगातार व्यक्तिगत रूप से वो जानकारी ले रहे हैं और उन्होंने हर संभव यहां पर मदद का, हमको सहायता का आश्वासन दिया कि हर प्रकार से सहायता होगी। कल पीएमओ ने भी मीटिंग करी है, हमारे राज्य के भी सभी अधिकारीगण, चीफ सेक्रेटरी कल वहां गए थे, सारा आकलनों में भी कर दिया है और हमारी कोशिश है कि सभी लोगों को फिलहाल सुरक्षित किया जाए।